पहली गल तो यह आ कि तुसी संत मत दे विचों तुहानूं की मिलिया, इन्ना तुसी अभ्यास कीता ठीक नहीं, ते किथे पहुंचे? पहुंचना किथे सी, जो तलाश सी अपने अंदर किसी चीज नूं लभण दी ओ खत्म हो गई। कुरीत सी ना अपने अंदर, रब की है, दुनिया की है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, उसे सवार हो गए सामना, वो खत्म हो गए। समझे ना? मगर वो खत्म ता हुए जद ये पता लग गया भी ये दुनिया जेड़ी है ना, ये सारी इकनी है, इसे हमेशा कर्म का चक्कर चलता रहता। दुख सुख आंदा मैनू, ए नहीं कि नहीं आंदा, हुन बोरा है बोरा ही तकलीफ हुंदी है। बोरे तकलीफ हुंदी है, जे मैं उन्हें कहां लोकां नूं मैं संता मैनू थोड़ी तकलीफ नहीं हुंदी, ये बिल्कुल गप है। मैं ये नहीं मैं कहंदा होरना दी बात मैनू पता नहीं, मैं अपनी बाबा जानना, बाबा सावन सिंह दी मुतलक जानना, जिसे उन्होंने टीका लाया, टीके ने नुकसान किया, दर्द हुई, तो कहा तू सब मैं जहर देता है, समझे मेरा मतलब? दादा दाद दरबार से मैं गया एक बार, उन्होंने पैर दसे समझी, मैं उन्हें नहीं पता लमे पैर था, तो मैं पैर पर सिर मारिया जाके, उन्होंने हाय की थी, रात पीछे की थी, मैं कही की होया, आखिर इतना चौंधा सी ईट ऊपर पै गई, पैर से जख्म हो गया। समझिए मेरा मतलब नहीं, दुनिया के लोगों ने जितनी बातें की थी ये मैं नहीं कहना कि गलत है, भगत सिंह सूरी चढ़ गया, पूछना चढ़ गया, ख्याल है अपना, ख्याल हटा दो, दुख कोई नहीं, ख्याल फसा दो तो दुख है, वो जरा मर्जी सवाल पूछो, आनंद मिले अंदर, खुशी मिली, अभ्यास मिला। हूं मैं लख कोशिश करा कि मैं कंठा सुना, संघ सुना, मृदंग सुना, बंसी सुना, नहीं क्योंकि वो जो मंजरा था जिसम दिया पैरियां वो तो संतरा सुना दिया, ये जी मंदिया मंजरा थी ये तुसा लोगों ने मेरी सुना दिया। जद मैं लोग कहने के बाबा तेन असी तेरी अखा चो नूर दड़ी चो नूर निकलता अस देखने हैं, तो मैं तो हों नहीं, तो मैनू पता लग गया कि वो जो कुछ भी वो वेख दे वो उन्हों का अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है। मैनू तुहाडा राती दो वारी सुपना आया, परसों आया जो तुसी कनेडा तो तुरना सी, मैनू सुपना आया तुहाडा राती दो वारी सुपना आया, कि वो मन चो ये मैनू सत्संग चो मेनू ये ज्ञान मिल गया कि मन की खेड है सर, ज्यादा संस्कार हुंदा। राती मेनू अपने फादर का सुपना आया कोई 15 साल जदों पहलों जदों मैं आया उदों का, उदा मेनू फादर का कदे सुपना नहीं आया, वह मन के संस्कार मोहरे आ जाते। अच्छा, तो इस तों अलावा जिहड़ा हजूर तुसी काम कीता ये कदों का कर रहे? 7 बरस दी उमर तों। नहीं तलाश नहीं आह सत्संग दा ते नाम दान दा? 1905 तों। 1905 तो मैं पंथाई बनिया, नाम लिया। हां जी, नहीं गुरु ऐसे गुरु कदों दा? 1939 जदों दाता दयाल ने चोला छड्डिया। उस पहले मैं हुक्म सी और मैं सत्संग करांदा सी। अच्छा, 1919 तक ठीक, 16 तो लगा के 1919 तक मैं सत्संग आप भी अभ्यास करता जी सर, किताबा भी दाता दयाल जी पढ़ के सुना था, जरूर तो मैं ये पता हैगा लड़ाई विच मैं फस गया आप, तो उस दादा दाल मेरे अंदर प्रगट हुए, उन्होंने कहा इकन कर दे। अंदर प्रगट हो जाए तो सामने आए, सामने जिदा हम आप बैठे सामने मस्तक दे, मस्तक विच इतना बाहर नहीं आए, बाहर नहीं मस्तक हुई सामने। अच्छा, सामने इन्होंने कह दिए अपना गोला बारी ना मारन, बदू अपना मुर्दे चुके रह जाएंगे। हाँ जी,
अच्छा मैं कह देता अभी बच गए, अभी वो तो शिकस्त खा के बगदाद चले गए। उसे आदमी ने मैनू कथिया ने खेल लिया अपने से समझा ने, मैंने सिखासन से बैठा के मेरी आरती करने लगे दीवे बाल के थे। मैं कह भी गुरु महाराज से लाहौर मेरी क्यों आरती कर दी। उन्होंने आख्या प्राणी सन तकलीफ हुई तो उन्होंने याद किया तुम आए ऐ किया ऐ क्या था ऐ क्या किया था ये हो गया। मैं तो गया नहीं थी तदू मैं होश आ गई। उस दिन के बाद 1921 ने वाक्य आरती कर लिया बड़ा 13,000 रुपया सामान लेके। उन्होंने फिर मैं सब कुछ लिखा किताब तो है दरवेश लिखी और मैं फिर सत्संग नहीं कराया चुप हो गया क्योंकि मैं सोचा भी मैं तो झूठ बोलना नहीं थी ये मैं सत्संग कराया तो मैं सच्ची गल कह देनी उसे दादा दादी समाधि दादा दादी धाम से किसी ने पैसा नहीं देना मेरी गल नहीं सुनी बिल्कुल इस वास्ते मैं सत्संग नहीं कराया। मगर मेरे दिन में जो हुक्म सी 1939 चूरा छड़न का वेला तदू मैं तार देती थी मैं आई सालोमनी प्रॉमिस द राइट टू स्प्रेड द ट्रुथ थ्रू आउट द वर्ल्ड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड सरकमस्टेंसेस। और उस मेरे ख्याल का नतीजा यह है कि आशीष शर्मा मेरे कॉन्टेक्ट आ गया मैं अमरीका आ जाना तुम्हारे को आ जाना बाहर आ जाना कार्य उसे फिरना। मैं किसी को नाम नहीं देता जिसने दूसरे आदमी नाम दे दिया किसी ने देता पहले 1922 तो पहले 10-15 आदमियों ने मैं नाम देता सिर्फ 10-15 बस फिर जब 1922 के बाद मैं नाम नहीं देता। उसकी वजह यह थी कि एक औरत जबलपुर तो अपने खसम नाल तो तीन बच्चा नाल हुजारपुर गई मैं फिरोजपुर से मैंने क्या फिरोजपुर आई मैं मरी राम मुकीम के यहां ठहर जाए वो तेगुड़ी से ब्याज कर दी थी लाल रंग से सूरज मैं देख ली थी। मैं उसे मैंने कहा भी दादा ये मुंडे मैनू अभ्यास नहीं करने दे पता ये थी अभ्यास नहीं करने दे तो मेरे कजनों को भी मेरी मर्जी कीता करे खत्म होता 8 बजे सवेरे ड्यूटी ले जाता रात में 9 बजे आता। मैं पूछा तेरी माँ है नहीं सच है नहीं ननान है नहीं कोई और है मत करने वाला कोई। उस वक्त मैं नहीं सोचा नहीं किया उसने मगर बड़ी ना मकीम ने किया बड़ी ना मेरी इलम मैनू कहना है इस दा तेरे बच्चे मर जाएंगे जी क्यों मैनू यह ख्याल है मेरा यकीन है कि जो आदमी ऊपर अपने अपने अंदर गुरु स्वरूप का या किसी रूप का ध्यान करता है उसकी विल पावर बढ़ जाती है और उसकी जी आशा होती है वो उसमें पूरी हो जाती है। तो मैं उनके अभी देते ने बच्चे बड़ी जान के अभी मेरा ख्याल है देते ने बच्चे मर जाएंगे क्योंकि होर को आठवीं एज भी नहीं हाँ जी तो बच्चे की तकलीफ को बचना चाहती है और को तरीका नहीं जरूर मरने तो 9 महीने तेने बच्चे मर गए। उसके बाद मैं किसी ने उस तरह नाम नहीं दिता सत्संग कराना ताकि लोग अपने ख्याल में ठीक करें लोग अपने ख्याल में ठीक करें। अगर ख्याल बुरा है तुम अभ्यास करोगे वो बुराई तुम्हें बढ़ जाएगी अगर काम ही हो तो काम ठीक है तो काम बढ़ जाएगा अगर लालची हो लालच बढ़ जाएगा अगर प्रेम है तो प्रेम बढ़ जाएगा नेकी है तो नेकी बढ़ जाएगी बुराई है तो बुराई बढ़ जाएगी जो कुछ सबको समझ में है। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता जब तक कि किसी आदमी को ये नहीं देख लेता कि इसका मन बहुत इस तरफ राघव है। हाँ अगर मन गंदा है और वो चाहता है सच्चे दिल से कि मेरा मन साफ हो जाए वो अभ्यास करे
तो उसको फायदा है। अच्छा, मैंने ये बात किसी को कही नहीं डरते मारे, क्योंकि आजकल तो ये उपदेश है ना कि जो किसी को नाम देता है, नाम दवा दो दस आदमियों बड़ा बड़ा पुण्य। तो मैं गया आगे, कुछ हजूर महाराज जी प्रेम पानी ले आया राय सारा साहब लिख गया, जिनके मन गंदे हैं और गंदगी उसको साफ नहीं कर, उसको दूर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, उनको अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए थोड़े सब योग का, वरना उनका आधा नुकसान होगा। अच्छा महाराज जी, जेडे तुसी सत्संग कराए गए, सत्संग कराने हैं, तुहाडी नजर दे विच कोई एहो जिहा बंदा आया जिन्हें ओहदे तों फायदा उठाया होवे? तुहाडे सत्संग कराउंदिआं नूं 40-50 साल हो गए, तुहाडे संपर्क दे विच कोई एहो जिहा मनुख बंदा आया जिन्हें पूरा फायदा उठाया होवे, जिद्दां तुसी जिस आशा नूं मुख रख के सत्संग कराउंदे आ, जिवें हुण तुसी इत्थे आए आ, अमरीका गए आ, किसे चीज नूं मुख रख के आए हैं ना, किताबां दे विच लिखिया जां ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया कि संत अंतरजामी हुंदे आ, इह रोचक गल है। अंतरजामी दे मायने इह हुंदे ने, आलू नहीं पाउणा, इह ठीक है, बाजे वक्त आदमी मेरे सामने आंदा है तो उस दे दिल दे भाव नूं मैं समझ जाए। हां जी, कुछ कहने इंट्यूशन, इंट्यूशन दूसरे दिल के भाव नूं, और लोग ये समझे कि बाबे ने मेरे ही सवाल का जवाब दिया, लोग ये समझे। पर जिस तक मेरा ख्याल है, मैं धर्म ना कहना, मैनू पता नहीं हुंदा कि इस आदमी का यह सवाल सी। हाँ ठीक, सो जिहड़ियां जिहड़ा आह प्रोपोगंडा करदे आ कि गुरु ब्यास बैठा जां गुरु गोबिंद सिंह लै लो, किसे नूं भी लै लो, सारे दुनिया दे कले कले जी दी हालत जानदा, ओह बाहर दा गुरु नहीं है, ए बिल्कुल जिहड़ा अंदर तुहाडा प्रेरक है, बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं मन, जिहड़ा अंदरला प्रेरक अंतरजामी ओह आ, अंदर दा प्रेरक जिहड़ा। मेरे नाल इक वाकिया गुजरा, एक ग्वालियर च एक औरत है, उसका खावन है ठेकेदार, उसका खावन है ठेकेदार, हाँ जी, वो रुपये की लोड़ से पौधे ठेकेदार, एक विधवा औरत थी, उसे कोई रुपया लेना अंदर, हाँ जी, तो उसने उसमें लिखा मेरे रुपये की लोड़ है, उसने कहा कि तुम्हें गल सुनो सर, रवि नंबर उन्हें समझाया, उन्हें बुलाया, उसकी औरत नु शक सी, वो जेड़े चले ने बड़ा उन्हों ख्याल थी कि शायद वो विधवा जेड़ी जनानी जिसे को रुपया लेंदा वो कुछ खराबी ना करे, उसने चले ने किया अपने खावन नु किया कि तेरा रखा दाता जा रहेगा तू जा। उस औरत ने मैं लिखा, उस आम ने लिखा कि वो इस कमरे की पास वो औरत सुती पी एक पास मर्द सुता पे, वो मर्द कहना मैं चार वाली गया उस औरत को जान लगा दरअसल बाबा को भी रोटी लाके करो तारी, बाबा को भी रोटी लाके करो तारी, तो मैं उस औरत को जा नहीं सकिया। तो फिर गल सुन के मैं इस गल के नतीजे से पहुंचा कि वो जरा ख्याल उस औरत ने उस आदमी को दिता तेरा रखा दाता जा रहेगा, वो चूंकि जीव ज्ञानी थी, तो जिस वेले को तीवी को दो बार या तीन बार जाने लगा, अगे उसे अपने ख्याल में मेरा रूप बना के खड़ा करता, मैं नहीं गया, मैं आप नहीं गया। जितनी गल्ला हैं दुनिया में सब रोचक है, दादा दाल ने खुद अपनी किताब लिखी है कि मेरी बानी रोचक है, रोचक बानी दे बहुत सारे अधिकारी हैं, सच्चाई दे बानी दे कोई अधिकारी नहीं, बैठ जाओ, रोचक बानी दे सब दुनिया अधिकारी है, ध्यान दे,
तो जायदा कोई गाहक नहीं। अगर कहीं भी जाए तो उन्हें आत्मा मनता है, ये मेरे ना बीती है। इसी तरह बाबा गुरु नानक गुरु गोबिंद साहब नाल बाबा की नाम है बेला नहीं भाई जोगा काबल तो आया। हाँ उसकी गल भी सुनी हुई पढ़ी है जी मेरे को ग्रंथ है। अच्छा बाकी मुड़ के गल ओ भी किसे बंदे नू फायदा होया फायदा भरम चले गए लोगों ने वहम चले गए। हाँ जी वो होने से बाद ही परवाह नहीं कर दे ऐसी साधन करिए या ना करिए उन्होंने एक विश्वास बैठ गया ए आदमी मेरे को है। वो कहते हैं जी सामने चिंता कोई फिक्र कोई गम कोई मरण का डर कोई ऐसे आदमी ने पांच चार आदमी उन्होंने ये गल कही है ये मैं पता नहीं कि उन्होंने मेरे ने सच किया है या उन्होंने मेरे ने झूठ किया ये उन्होंने गल उन्होंने नाल है मेरे नाल नहीं। अच्छा वो जेडे पांच चार बंदे है वो कौन कौन सी एक पूरे याद नाम याद है। अच्छा एक तो मास मोहन लाल है थोड़ा फ्रेंड जरा वाइस प्रेसिडेंट है वो कहता बाबा वो सारी उम्र में सन्यासियां ने पैर तोड़ तो के पींदा मर गया। अच्छा तो खोल दा जूतियां खोल के पेंदे लता दबाने दबादा मर गया मैनू शांति है। हाँ। वो मेरे ना प्रेम जरूर कर ए अज्ञान उसका जरूर है अभी तक। अच्छा वो मेरे नाल प्रेम करता है समझे ने तो मैं वो अपना मित्र या सज्जन समझता है। गुरु उन्होंने बाबा सावर सिंह है। अच्छा गुरु उन्होंने बाबा सावर सिंह है मैं उन्होंने गुरु नहीं बनिया मैं उन्होंने यार बन गया दोस्त बन गया। इस तू अलावा होर कोई और की जेडे बंदे तुहाडे सत्संग तो फायदा होया हो दुनियावी फायदे बहुत ही हुए आप परमार्थ की गल कर जिस आशे नू लेके तुसी सत्संग कराने मैं जिस आशे नू लेके सत्संग कराना ओ तो है अपना कर्म। हाँ मगर मेरे दिल ये मनिया भी जो कुछ मैं कहना चाहना दुनिया उस नू सुनने वास्ते तैयार नहीं ये मेरा वहम सी मेरा भरम सी कि मैं सच्चाई जाहिर करांगा तो लोगों नू फायदा पहुंचेगा मेरे तजर्बे ने साबित किया कि नहीं बहुत कम आदमी हैं जिन्होंने मेरी गल नु समझे और नफरत द्वेष आपस विचकार बोझ उन्होंने छड़िया मगर मौका पा जाता है मैं इतना उच्चा बोलना बाजे वक्त मन मैनू ऐसी खराब हाथ ले जाता है मैं दो मिनट बाद समझ जाना मगर उस वेले मन मैं ले जाता है जिस वेले गुरु ज्ञान बोल जाता है बाजे वक्त ऐसा होता है कि मैं पता नहीं लगता बात बात करना कोई ख्याल मेरे दिल जा जाता है ये गल मैं नाजायज करना मसलन तुम समझो मैं एक दफा अपने मकान अपने कमरे की कोठे से उस समय मैं जरूर सी टीका लगवाण दी या कुछ पूछने दी डॉक्टर को तो मैं आवाज मारी आदमी नु मैं क्या डॉक्टर को मेरे को लावे तो मेरे नाल पंडित वाइस प्रेसिडेंट जी मोहन लाल खड़ा मैं क्या मोहन लाल मैं गलती की थी है मेरा कोई हक नहीं डॉक्टर नु अपने कोल बुलाने अपने काम वास्ते वो टीका ला जाता कदी उस मैं आने लगे इस पिछले साल 30 रुपये थे 30 रुपये अपने पास देते कि मेरा कोई हक नहीं है कि उन्होंने कर कहा कि मैं आगे टीका लावे मैं तुहाडे कोल आया तुहानू मैं $25 दिते क्यों दिते मैं समझा भी मैं आया इन्होंने तकलीफ दी है रोटी खावांगा कुछ करांगा ताकि मेरा कर्जा उतर जाए तुसी अमीर तो हो नहीं तुसी अमीर आदमी माफ करना मेरी गल नूं भाई तुसी अमीर आदमी हो बड़े
गरीब आदमी समझे, मतलब मैंने अपने दो मियां बीवी कमाई कर दो, चार पैसे कमा दो, अपना पेट पाल दो, इस वास्ते जेड़ा बोझ मैं तुहानू पाना सी उसे पैसे तुहानू मैं दे के, तो मेरा अपना असूल जेड़ा जिंदगी का वो ये है, बाप की कमाई मैं नहीं खादी, लड़के की कमाई मैं नहीं खादी, ना सिर्फ कटने वाले हैं वो भेज दे मैंने 200 रुपए महीना, दसों का 40 रुपए महीना भेज दिया, वो मर गया वसीयत कर गया 70 रुपए दिता सी, 30 मंदिर वास्ते 40 मैंने 40 और लेना, 200 और लेना, 240 लड़का जरा वो हर अपनी भैन का खर्च भेजगा, ओद को मैं नहीं करिए, असूल है जिंदगी का, मगर इन मैंने ये नहीं कि सारे वही असूल करना चाहिए, हर एक दे हालात अलग है, हर एक दे सर्कमस्टेंसेस हालात वाकयात अलग है, मगर मैं इस हक बचा कि अगर एक बाप दे को रुपया है अपना उसका कोई हक नहीं कि लड़की को मंगे, कुछ ही ना लड़का अगर कोई 2 पैसे 4 पैसे दे देता है तो वो घर रहे तो कोई हक नहीं, उसका हक नहीं है कि उम्मीद रखे, नहीं है तो लड़के का हक है कि बाप की रोटी का, बाप के कपड़े का और बाप की रिहाइश का आराम का ख्याल रखे, मगर अगर बाप ये चाहे कि मैं शराब पीनी है या मैं सिनेमा देखना है तो वो गलती थी है, मेरा अपना मैं ऐसा समझ। अच्छा एक होर गल है जी, जेड़ा सानू आह हुण लाइफ मिली आ, तुसी भी जोड़े चाहे असी भी सारे मनुखां दे च बैठे आ, इहदी लाइफ दा परपस की आ, किताबां दी गल नहीं मैं करदा, किताबां च ताड़ ताड़ गल्लां लिखी, सच्ची गल पुछना, बिलकुल सच्ची गल पुछना, कुदरत दी खेल है, मैं इस राज का पता नहीं लगा, जिंदगी एक एनर्जी है जो मैं समझाओ तो दसना, पता नहीं मैं सच्चा के झूठा, मैं जो समझा एनर्जी है, जिस तरह बिजली एक एनर्जी है, बिजली भी 3 चीजें, एक रेजिस्टेंस, एक करंट, एक EMF, जानते हो साइंस पढ़ी है, पढ़ी है ना, जेड़ा मालिक है असली चीज है वो है EMF मिली हुई, इसी तरह इस दुनिया के विचकार एक भंडार है जेड़ा EMF है, एक EMF है, संतान का मालिक वो EMF है, उस सत लोग कह देंगे सच खंड कह देंगे, सत नाम कुछ कह देंगे, उसे बिचों एक करंट निकल दी है, जेडी करंट दुनिया बना दी है, किन्ने ही ब्रह्मंड हैं, किन्ने ही सूरज हैं, किन्ने ही लोग हैं, जिन्हां दा कोई अंत नहीं मिलता, यही गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी किया, लख पताला पताल लख आकाश आकाश औरक औरक पाल थके, ऐसी ऐसी बाणी है, है? है। अच्छा इसी तरह ही वो एक भंडार है, उसके बिचों उसकी करंट है वो निकलती है, वो इस दुनिया में बहती है, कितने ही ब्रह्मा हैं, कितने ही विष्णु हैं, कितने ही शिव जी हैं, और यही गल शास्त्री भी कहने, क्योंकि जिस वेले कृष्ण महाराज का अवतार होया तो ब्रह्मा नु शक पै गया, उसने जेडे उन्होंने ग्वाल बाल सन वो सारे चुरा रहे, चुरा के रह गया, हुन ब्रह्मा का एक दिन इथो एक साल बराबर है, एक लिखिया किताबा, तो कृष्ण ने दूसरे बैल बना ले, मुड़ के आया उसने देखा, वो फिर गया विष्णु महाराज को लिखे किताब,
ਉਤੋਂ ਦੁਆਰ ਪਾਲ ਆਇਆ ਅਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਗੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਖੰਡ ਹੈ ਅਨੇਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਲ ਸਕੇ ਔਰ ਕੀ ਕੋ ਜਾਤ ਇੱਕ ਤੱਤਵ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਵੋ ਤੱਤਵ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ ਉਸਕਾ ਤੱਤਵ ਕਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਬਸੇ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਜਬ ਜ਼ਹੂਰ ਮੇਂ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਹਰਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਲਾਈਟ ਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨ ਚਿਤ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਮਨ ਚਿਤ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਤੀਨ ਮੈਂ ਹੈ ਨਿਚਲੀ ਉਸਕਾ ਤੋ ਮੁਝਕੋ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਸੇ ਮਗਰ ਜੋ ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕੀ ਵੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੁਝਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਵੋ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਮਸੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਕੀ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੀਨੋ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਮਗਰ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਕੀ ਮੈਂ ਵੋ ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਰਾਤ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈ ਜਿਨਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਬਸ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਛ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੋ ਜੋ ਸਾਫ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮੁਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਵੋ ਬਨਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਗਿਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 13 ਬਰਸ ਕੀ ਜਬ 13 ਬਰਸ ਕੀ ਸੀ ਤਬ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਬ ਵੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਸੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਬ ਵੋ 12 ਬਰਸ ਕੇ ਥੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਯੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸਖਤ ਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਾਤ 100% ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋ ਆਨੀ ਹੀ ਥੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਫਿਰ ਜਬ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ ਬਸਰੇ ਬਗਦਾਦ ਨੇ ਵੋ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬੀਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਜਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਮਤ ਕਰੋ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਂ ਵੀ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾ ਔਲਾਦ ਕੇ ਲੀਏ
तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो स्वाद में फंस गया। वो जो मेरी शांति थी 12 साल जो मैंने अटेंड की थी वो खत्म हो गई जी। फिर मैं रोया करता है क्या हो गया मुझको, फिर एक दिन मैं प्रार्थना करने लगा तमूला लेके बेहोश हो गया, अंदर से आवाज आई कि ये नुस्खा तुम। फिर मैं 26 साल तक मैं मेरी वाइफ रही, वाइफ मेरी मदद की, हम 26 साल तक औरत और मर्द बन के नहीं रहे। अब 16 साल 17 18 उसको मरी हुई को हो गए हैं, तो मैं यानी मेरे अपने ख्याल में ये है कि इंसान के बचपन के कैरेक्टर को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो बहुत हद तक इस दुनिया की तकलीफों से बच सकता है। मानसिक जो हृदय होती है इससे बच सकता है। मेरा अपना तजर्बा यह है, इस वास्ते मेरे पास जितने नौजवान जोड़े आते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो, विषय विकार के लिए मत करो। एक दूसरे अपने ब्रह्मचर्य का ख्याल रखो, जिसे अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी, जब तजर्बा दुनिया का हो जाएगा इस दुनिया में सुख नहीं है फिर इस तरफ आना। इससे पहले अगर तुम आओगे तुम्हारी जिंदगी, आजकल इन गुरुओं ने बहुत जुल्म किया है, 10-10 साल के बच्चों को नाम दे दिया, अब उनको कह दिया तुमने शराब नहीं खाना मांस नहीं खाना, बहुत अच्छा। मैंने कितने किराने देखे हैं जहाँ ये तबाही आ गई, चोरी खाते और तो खादनों की बनी नहीं, क्योंकि खादन शराब पीते थे मांस खाते थे, नहीं समझ में आई और तो दुखी रहती थी। मेरे सामने कई केस आते हैं, मेरी अपनी लड़की थी मैंने उसकी शादी की, हालांकि सत्संगी थे दाता जाके, तो जब वो वहां गई तो उसकी माँ और उसका पति दोनों इस बार को बाजार से गोश्त ले आते और खाते। अच्छा। और मेरी लड़की मेरे पास आई, कहने लगी ये काम है। मैंने कहा तू किस मर्ज की दवा है, तेरा धर्म है खावन तेरा गोश्त खाता है उसको गोश्त को मैं पका दूंगी, उसको पका दो, माँ को खिला दो, उसको खिला दो, मगर तुमने नहीं खाना, तुम अपने लिए इरादा सब्जी बना लो, वो अपने आप छोड़ जाऊंगी। जब उसने कहा मैं बना दूंगी, बड़े हैरान हुए, फकीर चंद की लड़की होकर कहती है। वो 2 महीने उसने उनको गोश्त बना के खिलाया, 2 महीने के बाद छोड़ गए। और सबसे ज्यादा गलती है माँ बाप की। हाँ, माफ करना मेरी बात को, मैं तो आशा की बात, जब बच्चा पेश में होता है माँ बाप भोग करते रहते हैं, उस लड़के पर काम का असर पड़ता है। जब वो जवानी में आता है, अभी जवान नहीं होता, उसमें काम का अंग आ जाता है और वो खराब हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची मैंने आपको कही, मैं खुद इस मर्ज का मुबतला रहा हूँ। मेरी अगर शादी छोटी उम्र में न होती तो शायद मैं जो हालत में इस वक्त है उससे बेहतर होती, ये मेरी समझ में आया। बाकी रह गया सरदार जी सच्चाई अगर पूछो, सच्ची बात, मैं जब अकेला बैठता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मुझे न होश होती है मैं फकीर चंद हूँ या कहाँ हूँ क्या हूँ, एक हालत तारी हो जाती है जिसका मैं न एक कह सकता हूँ न दो कह सकता हूँ, कुछ नहीं, लफ्ज बथेरे कर बाहर समझाने के लिए कई कर देते हैं, वो जितने लफ्ज हम करते हैं सारे ही नामुकम्मल है। वो है क्या है, 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 मालिक है, 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 मगर वो क्या है किसी आदमी को कोई हक नहीं है कि वो कहे कि वो क्या है। संता ने उसको उन्मन कह दिया, किसी ने हैरत रूप कह दिया,
किसी ने ला मकानी कह दिया, आप समझे, ये सृष्टि का कर्म क्षेत्र चलता रहता है, ये मैं है हमारे अंदर, या तो इसको कर्म से ठीक करो, या भक्ति से इसको ठीक करो, या ज्ञान से ठीक करो। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीन मार्ग हैं इस मैं को ठीक करने के लिए। कर्म में भी निष्काम होना चाहिए, अगर निष्काम नहीं है तो वो उसका फल लेने के लिए जान खाएगा वो, बस दो लो। अग्रवाल ओ अग्रवाल माफू पा भाई, बस भाई कर दो मेरा अपना ये काल है, मैंने जो समझा आपको बता दिया। और कर्म से पूछते हो मेरे हाथ में मुझको मरते दबा आग ने मेरे उस प्रभु की लीला को मैं तो बेहौफी ही कहूंगा, न कबीर को पता लगा, न राधा स्वामी को, न नानक को, न किसी को, कोई जान नहीं सकता कि वो क्या है। सच्ची बात है, जितनी जितनी जिसकी बुद्धि थी उतनी उतनी वो कह गया, असल में क्या है कुछ पता नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, खामोशी के सवा और कोई चारा नहीं, साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जब तक जिंदगी है इसको खुशी से गुजारो, उसकी मौज है। हाँ, मैं करने से हाय दुख, हाय करने से हाय कर क्या बनेगा, जो हो रहा है हो रहा है, किसी को क्या पता। मैंने ऐसा समझा, किसी को कबीर का भी शब्द है, कर्म कत चारे ना ले चले, ऋषि मशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन थरे, सिया हरन मरण दशरथ का कहू न सूझ पड़े। आगे लिखते हैं आखिरी कड़ी है, सूरज चंद्रमा भानु सब विधि संयोग पड़े, यानी जितने ग्रह हैं विधि उनके तरीके से हर एक को पूछना पड़ता है। ये मुसलमानों का ये 40 साल, मुसलमान जितने राज हैं ये 40 साल का चाहिए आया हुआ है, इनको हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। एक गल हो रही महाराज, सानू ये ख्याल दिता गया गुरबाणी विच, संतां दी बाणी दे विच भी, कि जीव आउंदा जांदा आउंदा जांदा। हां जी ठीक है, आउंदा ते असी जन्म सारिया ने लिया, और शरीर दा अंत हुंदे भी असी सारे देखते, वाकई ही आउंदा जांदा पिछला जन्म है, पिछला जन्म और अगला भी, अगले भी है, इसका प्रूफ है कोई? इसका प्रूफ मेरे तजर्बे जी गल आई, वो कहना पर्सनल थे। मेरी लड़की प्रेम प्यारी कुएते में थी, तो मैंने अपनी बड़ी लड़की को 40 तोले सोना और बड़ा फारा दाग दिया। इस लड़की को मैंने सिर्फ 1,500 में शादी कर ली, 5 तोले सोना दिया, कोटे चली गई, बीमार हो गई। जब जाने लगी तो मेरी आरोप ने मेरे साथ झगड़ा किया कि ये तुमने क्या किया, जब उसको इतना दिया तो इस लड़की को क्यों तुमने थोड़ा दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं उसको कुछ नहीं बोला, लड़की चले गई। मैंने कहा बेटी पिछले जन्म के 700 रुपए मैंने तेरा कर्जा देना है, अगर अब ले लो तो तुम्हारा मेरा रिश्ता टूट जाएगा, इस वास्ते जब अपना मकान बनाएगी उस वक्त तुमने, अगर मैं रहा तो मुझसे ले लेना, तो अपने पहिए से ले लेना। वो चली गई, वो बीमार हो गई 4 साल के बाद। मेरी औरत ने मजबूर किया, 6 महीने में 100-100 रुपया भेजता रहा। जब 7वां महीना आया औरत ने फिर मजबूर किया, तो मैंने 100 रुपया का ड्राफ्ट लेके पंजाब नेशनल बैंक से कोर्ट भेज, उसने भेज दिया।
मैंने छुट्टी लिया और उसको वहां छोड़ आया, उसको बोला कि अब जो मर जाएगी, लड़की मर गई। मेरी औरत आई, मैंने पूछा उसका अंत समय क्या हाल हुआ। उसने बोला पहले उसने याद किया देशराज को, अपने पति को, वो अस्पताल गया उसे दवाई लेने, फिर उसने याद किया सरदार बली राम की लड़की को और उसके प्राण निकल गए। इतने में दूसरे दिन बली राम हकीम आया मेरे मकान में अफसोस करने के लिए। मैंने कहा बली राम काहे को अफसोस करता है, तेरे घर में लड़की आएगी। कहेंगे मेरे घर में कैसे, मगर तेरी लड़की क्या सरदा क्या आएगी। कहेंगे कैसे, मैंने कहा उसने आखिरी दम पर सरदा को याद किया था, अंत मता सोगता। तो उसने बोला लड़की को तो चौथा महीना है। मैं कह रू जो है चौथे महीने आती है, जिसमें बन जाता है पेट में तो फिर सुरत आती है। चौथी चीज सुरत जहाँ चौथी चीज चौथे महीने, हाँ वो चौथे महीने आती है। मगर चूंकि मेरी लड़की को ससुराल में जहर दिया गया था, उसकी सास ने दाज नहीं मिला था, इसको उसकी इसको इस जन्म में ससुराल से तकलीफ होगी, सुखी नहीं होगी। वो लड़की पूर्णिमा उसका नाम था, एमए पढ़ी, उसकी शादी हुई, 4 साल के बाद पति मर गया। जो कुछ मेरा अंजाम था वो ठीक ठीक था। दूसरी मिसाल मेरे पास सबूत ये है कि मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी, बच्चा मैं औरत का जन्म नहीं लूंगी, औरत के जन्म में बड़ा दुख है, मैं ले लूंगी नहीं, तू भगत बन गया, मैं भी तैर जाऊंगी तेरे पास से। अब वो प्लेग से मर गई, हम दोनों थे भाई बगदाद में, मेरे भाई की औरत थी वहां, बाप ने चिट्ठी लिखी, अंत में उसने याद किया मुझको और मेरे भाई को, और कहा कि जैसे दो दो लड़के मेरे थे ऐसे हर एक के दो दो लड़के होंगे। तो ये चिट्ठी मेरे बाप ने मुझको लिखी। तो मैंने उसको बोला कि तेरे घर में माँ आएगी लड़का बन के, और उसके घर में लड़का बन के माँ आएगी। वो लड़का अब तक भी इसका बड़ा भाई, ये रवि जो आता है इसका जो बड़ा भाई है वो। तो तब से मुझे यकीन हो गया कि आवागमन है। मैं किताबों की आशा, एक तो ये बात है, दूसरी ये है कि सब संत मानते हैं, जैन मानते हैं, बुद्ध मानते हैं, हिंदू मानते, सब मानते हैं कि आवागमन है, और आवागमन है भी। अच्छा, आंदी जांदी केड़ी चीज है महाराज, आत्मा या मन? आत्मा, आत्मा सुरत आती जाती, शरीर तो अलग हो जाता, शरीर तो खत्म हो जाता, जिहड़ी चीज शरीर खत्म हो जाता है, संस्कार रहता है मन का, मन का संस्कार रहता सुरत दे नाल, ताइयो सुरत हैगी रहिंदी, जिदा तुसीं राती सत्संग च कहा सी, सुरत दे उपर मन दे संस्कार पै रहिंदे, हांजी ओहो ही फिर आउंदी जांदी। होर कोई सवाल करना होवे कर लो। हांजी तुसीं जी कोई पुछ लो। ज्ञानी जी ने सवाल किया कि जिवे तुसी संत हो गए है, जिहड़े संत अंदर जांदे आ जिन्हां दी स्वतंत्र मुख हुंदी आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਕੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਖੀ ਨਾ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੂਹੇ एक दूसरे को पहचान नहीं सकती। आप देखो तुम्हारे जिस्म में रेड कॉर्पस और व्हाइट कॉर्पस है, ठीक है,
खून के अंदर रेड कार्पलस और व्हाइट कार्पलस है कि नहीं। अगर ये रेड कार्पलस न हो खून पानी हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। तो हमारी जिस्मानी जिंदगी के अंत कौन है? रेड कार्पलस। इस तरह मन के अंदर अगर थिंकिंग नहीं है तो मन नहीं है, समझ गए? ऐसे ही रूहानी दुनिया में सिर्फ अणु होते हैं रोशनी के, मगर वहाँ ये शक्ल नहीं होती उनकी। जिस तरह सूरज की किरण की शक्ति होती है, गोल गोलाकार होते हैं वो। वो अगर वहाँ ना हो तो सत लोग उसको नहीं कह सकते, नहीं समझ में? उनको हंस कहते हैं। वो ही साड़ी अंदर है, वो हमारे जिस्म में खून में रेड कार्पलस और वो है मन के अंदर अनुभव है, आत्मा के अंदर रोशनी की किरण है। एक मुसलमान फकीर मेरे सत्संग में आया करता था, कादरी साहब। उसने कहा मैं अपने अंतर गया बड़ी भाई रोशनी में, वहां हजरत मोहम्मद थे, दाता दयाल थे और मैं भी था और मेरा नाम भी लिया और दूसरे महापुरुष भी थे। तो मैंने उसको सत्संग में कहा कि मैं नहीं था, मैं नहीं था। जब मैं नहीं था जो कुछ उसने देखा वो भी नहीं था, कल्पना, वो उसकी अपनी कल्पना, उसका अपना बनाया हुआ था। अनुभव विश्वास भी हो गया कि मन जो कुछ मर्जी बना ले, ये मेनू अनुभव हो गया। मन ड्रामा चीजा रचदा रहिंदा रचदा रहिंदा, सृष्टि पैदा होंदी रहिंदी, खत्म होंदी रहिंदी, रचदी रहिंदी। इहदे चों निकलिया किवें जावे? ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜਬ ਸੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਯਕੀਨ ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤਬ ਸ਼ਕਲੇ ਤੋ ਆਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਨ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਂ ਫਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਨੇ? इसके अलावा मैं अकाल पुरुष को मानता हूँ या अनामी पुरुष को मानता हूँ या राधा स्वामी पुरुष को मानता हूँ, जो मन चित बुद्ध अहंकार से परे है। तो मेरा इष्ट वो रहता है, मगर जब कभी मन में आता हूँ दुनिया के काम में, उस वक्त मैं गुरु के स्वरूप का सहारा लेता हूँ। सो तुहाडे कहण दा मतलब यह है कि जो मैं अभ्यास दे विच बैठदा, ठीक नहीं, जेकर मैं एना सेंटरा ते सुरत जमाना ते रूप आउणगे, जरूर आऊंगी। अच्छा, ते इतो उपर चले जावा फिर शब्द को, शब्द जा प्रकाश को, ते इथे ते जिवें जागृत अवस्था च ते होना ही आ, ए ते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। कोई रोक नहीं सकता है ते ना रोकण दी लोड़ है, ये तो आएंगे जैसे जैसे संस्कार तुम्हारे अंदर पड़े हुए हैं। वो शक्ल है, मैंने आपको बताता हूँ कि मुझको मंदिर बनाए हुए 18 साल हो गए, कभी मंदिर सपने में नहीं आया। वहां के जितने कर्माचारी हैं कोई सपने में नहीं आया। बाहर इतने सत्संग कराता हूँ, कभी आप लोग सपने में नहीं आए। मगर रेलगाड़ी और तार, माँ और बाप और बीवी, कभी कभी भाई या कभी साल के बाद लड़का, ये जरूर सपने में आता है। या सपने में मैं अभ्यास करता रहता हूँ, या सपने में मैं अभ्यास करता रहता हूँ। इससे क्या साबित हुआ मुझको कि जिस काम में मेरा जाति इंटरेस्ट नहीं है उसका असर मेरे दिमाग पर नहीं पहुंचता। मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, आपका कोई अक्ष मेरे पर नहीं पड़ता, आपके प्रेम के जवाब में प्रेम का जवाब भेज देता हूँ। अब ये ख्वाहिश मेरी अभी बाकी है कि जब मैं शरीर से निकल जाऊं
फिर कुदरत मुझको मौका दे के मैं कुछ दुनिया को बता दू कि मेरा किसी तरीके से कि मैं कोई मेरा क्या अंजाम हुआ। अब अरे ये ख्वाहिश मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी ये मुझे पता है। इनकी तो हुई बाबा जावर सिंह की और हराज साहब की हुई। हाँ वो तो जब गुजर गए सारा मकान रोशन रहा कितनी देर तक। अच्छा जी। हाँ जी। और बाबा जावर सिंह जब गुजरा तो आवाज सारे कमरे में मौजूद रही, जब उस कमरे में आता रहा जब तक उसकी लाश को उठाया नहीं गया। ये किताबों में लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं। दादा दयाल थे, इनको बवासीर थी, इसी उम्र में इनको बवासीर की तकलीफ हुई। फिर ये दूध से इन्होंने उसरा लेकर सिर से लेके पांव तक जितने बाल थे सारे उतरवा दिए। अच्छा। और दूध से नहाए सुबह। अच्छा। दूध से नहाने के बाद शाम को अंदर चले गए, नंदू सिंह की ड्यूटी लगा दी कि कोई आदमी अंदर ना आए। नंदू सिंह ने मुझे कहा कि मैंने इतना देखा, घंटे दो घंटे के बाद उनके जिस्म को हाथ लगाया तो गर्म था, चार पांच घंटे के बाद जिस्म को हाथ लगाया तो कुछ नहीं था, ठंडा था, कुछ नहीं था। बीमार नहीं हुए? यही बस बीमारी अगर उनको कमजोर हो गए थे। हाँ, जिस्म ये दाढ़ी थी ना हजामत आप कर देते हो। हाँ। ये चमड़े का मांस यहाँ आ जाता था ये। अच्छा। ये तो नाई को बुलाया हजाम करने के लिए, उसने उन्हें मुझे कहा कि मुझसे आपकी हजामत नहीं होती, मांस हिला है। उन्हें कहा अच्छा ना सही उसरा दे दो। उसने उसरा लिया, दादा दयाल ने आप मांस को खंजाए थे वो मुझे सारा साफ कर दिया। उन्होंने शरीर समाधि से जाके छाड़ दे। ए पता नहीं क्या हुआ, जो जो नंदू सिंह ने मुझको बोला मैंने वो बोल दिया आपको। सुबह उन्होंने दूध मंगवाया, दूध से नहाए। एक दिन पहले अपने जिस्म को सारे को उसे से जित कोई बाल भी सिर भी और सब कुछ सब बाल उतरवा दिए। दूसरे दिन वो दूध से नहाए। जब शाम हुई कहने गए अब मैं जाता हूँ अपने कमरे में लेटता हूँ, मुझे कोई जगाए ना, तुम बाहर कोई अंदर ना आए तो नहीं लगवाना चाहते। बस फिर वो गए, उसने नंदू सिंह की जबानी मैं कह रहा हूँ कि अंत में उन्होंने नहाए की न हूं की न ही की न कुछ नहीं, सिर्फ दो दोहा में गया तो मैंने उनके हाथ देखा, जिस्म को लगाया तो जिस्म गर्म था, बुलाया मैं नहीं, फिर मैं चला आया। तो जब पांच घंटे के बाद फिर गए देखा जिसम ठंडा था, बस डेड थे। ये कहानी उन्होंने मेरे गुरु महाराज के मुताबिक बताई। और उनकी बाबत ये ख्याल था मुझे, मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मरने से छह दिन पहले दादा दयाल ने। हाँ। अच्छा। उसमें बहुत कुछ लिखा, उसमें एक शब्द था अब समझ रहे बूढ़ा हुआ तेरा पीर, अब समझ ले बुरा हुआ तेरा पीर, ऊपर लिखा हुआ था रात को नींद नहीं आई। अच्छा। ऐसा तो मैंने छुट्टी के वजह अर्जी की, रात को सुबह चार बजे मुझे किसी ने कहा कि दादा दयाल का चोला छूट गया है। अच्छा। सपने में। सपने में सुबह मेरी और सोई हुई थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भगवान ऐसा सपना आया। हाँ जी। तो मेरी आवाज ने कहा, हाँ साथ ही मैंने क्या देखा कि छह सात मील बड़ा भरा एक गोला रोशनी का ऊपर से मेरे दिमाग में आया है, वो सारी रोशनी सारी मेरे अंदर आ गई। और एक नगीना किसी ने मुझे पेश किया, तरह तरह के उसमें रंग थे। तो मैंने घबरा के उठ के अपने और को कहा कि मैंने सपना ये देखा है,
मेरी आप ने कहा कि जिस आदमी के सपने की मौत का पता लगे उसकी उम्र लंबी होती है। अच्छा, तो मैंने चिट्ठी में यही लिख दिया दाता दास को कि आपकी चिट्ठी पहुंची, मैंने छुट्टी के लिए 10 दिन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब आएगी मैं हजूर की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो मुझे ये सपना आया है, आप अभी कुछ दिन और बाकी रहेंगे, ऐसा लिखा मैंने। तीसरे दिन मेरे पास चिट्ठी आ गई कि दाता दास चोरा छोड़ गए, और फिर दुनिया का हिसाब बताओ, तुमको पता नहीं सरदार जी, दुनिया में गुरु मत की कदम चीज है, जो उनका भतीजा था वो तो बन गया मालिक, मालिक एक और को बना लिया, उसको बना लिया स्वामी, आप गुरु बन बन बैठा, मुझे जीती रही। अच्छा। मैंने कहा संत मत की तालीम न तुम्हारे पास है न किसी और गुरु के पास है, काम तुम्हारी है, आमदन तुम्हारी है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, तालीम मैं फैलाऊंगा, मेरे समय ड्यूटी है, किताबों में लिखा हुआ है, तुमने पैसे के लिए मालिक बने हो, पैसे के लिए स्वामी बने हो, तुम जो मर्जी चाहे साहब जी महाराज बनो या स्वामी जी बनो या जो तुम्हारी मर्जी बनो, ये जो तालीम है ये सजाई जो है ये मैं अपनी जिंदगी में जाहिर करके जाऊंगा, मामा कोई सुने या ना सुने। उसका की नाम सी महाराज? उनके भतीजा था उनका रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह, तो दाता दयाल दादा कोई लड़का नहीं सी? ना, लड़कियां थी, 6-7 उन्होंने कुल ग्रस्त होगा। अच्छा, बाकी और बाकी फिर याद ही नहीं किया। उस तो बाद तामदा की होया जी? नहीं, उस तो बाद तामदा की होया? काम वहां सकूल है, गाले जाए वहां, अब उनकी समाधि है। अच्छा। तो उनका भी झगड़ा बने, हर एक आदमी अपनी आमदन चाहता है, मैं हर साल 2,000-2,500 रुपया दे देता हूँ वहां, तुम जानो भाई तुम्हारा काम जाने, वहां एक आदमी मुकर किया हुआ है, और भी उससे रिश्तेदार जो है वो आना चाहते हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मुझे कोई अफसोस नहीं। बाबा सामिक ने मेरे साथ बड़ी सच्चाई से काम किया, बाबा चरण सिंह ने मेरे साथ बहुत सच्चाई से काम किया। मैं जब गया बाबा सामिक 1982 में, तो मैंने जमीन पर बैठ गया, वो चारपाई पर बैठे थे, तो मैंने तब आजाद शब्द गाए, ऐसे में आया, ऐसे में आया, ये हुक्म था मुझको, ऐसे ऐसे 15 मिनट में मुझको तो होश ही नहीं थी, मैं तो बाबा साहब सिंह की दाढ़ी तो मुझे नजर नहीं आती थी, मुझे तो बाबा गाता दाल नजर आते थे, तो मैंने ये सोचा कि जो कुछ मुझे हुक्म मिलेगा यहाँ से मैं जो वो करूँगा, क्योंकि मेरे घर में तकलीफ ये थी, एक तो आमदन नहीं थी, दूसरे 20-25 संगी रोज रहते, भाई मेरा गया उनका रुपया जाए तेरा खत्म हो जाएगा फिर रोएगा तू, तो मैं तेरा गया घर छोड़ गया, मैं कहा वापस नहीं आऊंगा घर में, तो मैं वहां ब्याह किया बाबा जी को मेरा, मैंने कहा था, दादा ने कहा था ये काम करने के लिए, उन्होंने कहा था, दादा ने कहा था अगर कुछ तकलीफ तुमको तो बाबा सावन सिंह से फिरा पूछ लेना, मैंने कहा अच्छा, तो मैं यहाँ आया, मैंने तब आता, उन्होंने कहा कृष्ण तुम काम क्यों नहीं करना चाहते, मैंने कहा जी मैंने तो सच्ची बात कहनी है, तो बाबा सावन सिंह ने मुझे कहा कृष्ण मुझसे सच नहीं कहा गया, उसकी वजह कि दुनिया सच के अधिकारी नहीं है, दुनिया ने जाती है गुरुओं के पास हकीकत के लिए जाती है, दुनिया दूसरे मेरा डेरा था, तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तुम्हारी पुष्टि बना रहूंगा, ये बाबा सावन सिंह ने मुझे कहा था, तुम निर्भय होकर काम करो मैं तुम्हारा पुष्टि बना रहूंगा, और आज दिन तक मुझको कुछ ही नहीं मेरी मुखालफत नहीं थी,
जितना मैं जोर का सत्संग बार पब्लिक में देता हूँ, यानी गुरुइज्म के धाक में हूँ, मगर गोडियोइज्म को बरकरार बोलता हूँ, मगर किसी ने बरकरार मेरे नहीं कहा। न सनातनी, सनातन बड़े बड़े कट्टर रहते हैं, विशेष जो पंजाब का मर गया तो विशेष जो पंजाब का सनातनों का एक बड़ा बड़ा मठ इंचार्ज था, और राम जो आर्य समाज का बड़ा बड़ा मेंबर था, माना हुआ आदमी था वो, और ये मुसलमान और कृपाल सिंह और फिर ये सुशील कुमार मुनि, अच्छा जैनियों का, जैनियों का, ये सब मेरे सत्संग में आते थे दिल्ली में जब सत्संग होता था। तो किसी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा, उनको मैं कसम देता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा अनुभव ये है, आपको मैं कसम देता हूँ अगर मैं गलत हूँ मेरा खंडन कर दो। कृपाल सिंह क्या संत कृपाल सिंह मेरे पहले उद्घाटन जो मैंने कराया मंदिर का, तो कृपाल सिंह ने कराया था, क्योंकि जब मैं गया था तो बाबा ब्यास श्याम सिंह ने कहा था कि मैंने लाखों को नाम दिया, दो आदमी सिर्फ दो आदमी मेरे रात को समझाए, ये उन्होंने लफ्ज कहे थे। एक कृपाल सिंह का नाम ये था, दूसरे का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कृपाल सिंह का नाम लिया था इस वास्ते मैं कृपाल सिंह की इज्जत करता था। आपको सच्ची बात को बोली तो मैं बचन करूँ, हाँ जी फिर अच्छा फिर इस वास्ते मैं कृपाल सिंह, तो कृपाल सिंह को मैंने बुलाया भी क्यों, कृपाल सिंह मेरे पास आया जब ये चूरा झूठा बाबा सामन सिंह का, तो मैंने पता लगा भी कृपाल सिंह को गद्दी नहीं मिली, गद्दी बाबा जगत सिंह को मिली है। बाबा जगत सिंह को तो मैं जानता नहीं था उस वक्त, तो मैंने कृपाल सिंह को चिट्ठी लिखी, क्योंकि बाबा सामन सिंह ने मुझे कहा हुआ था मैं कृपाल सिंह इस राज का वाकब है, तो मैंने कृपाल सिंह को लिखी कि मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों लड़के संत मत का सच्चा प्रचार करें। वो चिट्ठी जो गई तो उनका मासी का लड़का था, उसने मुझे इनका पता बताया, 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस आ गई। अच्छा। बाबा ये चले गए थे हरिद्वार, हरिद्वार से जब वापस आए तो फिर इन्होंने पाली जी की मुझे मैसेजेस मिलती हैं बाबा सावन सिंह, तो किसी ने मुझे कहा कि उसने कहा मुझे फकीरचंद के लिए भी मैसेजेस मिली है। अच्छा। तो मैंने इसको लिखा, मैंने कहा भाई मेरे नाम क्या मैसेज मिली है, अगर मैं अंदर गया तो मुझे महर्षि जी मिले, उन्होंने कहा फकीरचंद को कहना खूब अभ्यास करे सबके साथ मेल रखे। मैंने उसको जवाब दिया तुमने ये नहीं सोचा कि तुम खत किसको लिख रहे हो। कृपाल सिंह को मैंने जवाब दिया कि तुमने ये नहीं सोचा कि तुम खत किसको लिख रहे हो, महर्षि का चेला मैं था क्या, वो मुझे नहीं कह सकते थे, जो कुछ तुमने देखा ये तुम्हारा अपना ही मन था। अब आप समझे मतलब मैंने, उसके बाद उसने बदल दिया, फिर वो कहता था गुरु पोल पर बोलता है, पोल पर बोलता है, पोल कौन सा चीज, पोल जानते हो ना इंसान के दिमाग के अंदर, हाँ हाँ पोल में बोलता है। हाँ। तो दूसरे में सत्संग हो रहा था, मैंने कहा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपका रूप जाता है पोल उसका बना के तुम्हारा बना, और 2.5 घंटे पूरे मेरे और कृपाल सिंह के देहरादून में बात होती रही। कृपाल सिंह ने कहा कीर्तन जो कुछ तुम कहते हो बिल्कुल सत्य, मगर तुम्हारा काम कंस्ट्रक्टिव नहीं है डिस्ट्रक्टिव है। अग्रवाल परशुराम परशुराम आ जाए, आ जाए, आ जाए।
मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम कंस्ट्रक्टिव ये चाहते हो कि डेरा बन जाए और आदमी आ जाए, मंदिर बन जाए, जेल बन जाए। तुम्हारा काम कंस्ट्रक्टिव ये है, मेरा काम कंस्ट्रक्टिव ये है कि जीव के भरम चले जाए, संशय मिट जाए और वो अपने आप में शांत हो जाए। तेरे मेरे में ये फर्क है। मगर जब कभी मैं गया, हमेशा कृपा तू मेरे सत्संग में आता रहा। मैं खड़िया सुना देता था, सुन जाता था, आप समझे मतलब है। मगर सच पूछते हो, मेरी तालीम सिर्फ तालीम याफ्ता आदमी के लिए। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं आम दुनिया को ये तालीम नहीं देता, क्योंकि दुनिया इस सच्ची ऊंची तालीम की, सच्ची और की तालीम की हकदार नहीं है। दुनिया को दुनिया का काम बताना चाहिए। आप सत्संग कराते हैं, दुनियादार आए उनको विश्वास पर तुम्हें गुजर, उनको विश्वास पर लाओ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, उनको ऊंची बात मत कहो। ये औरतें आती हैं, दूसरे आदमी आते हैं, उनको ये कहो भी सदगुरु वालों के तुम्हारा रखा है, तुम्हारे अंतर रहता है, तुम विश्वास रखो। नहीं समझ में आती है मेरी बात? मैंने आपको कह देता, मेरी लाइन पर कोई शख्स महात्मा यहाँ का सत्संग नहीं करा सकता हिंदुस्तान में, बिल्कुल वर्ल्ड में नहीं करा, वर्ल्ड में नहीं करा सकता, नहीं यूनिवर्स में नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। इधर तो है ही नहीं कोई, जो इंडिया से इधर महात्मा आते हैं, अमेरिका में आ जाते हैं, रुपए के लिए औरतों के लिए। हाँ जी, औरतों जहाँ आप समझिए मेरी बात नहीं। पर इधर भी कोई कोई अधिकारी है महाराज, अधिकारी तो है कोई ना कोई। कल जो आदमी बैठा था मेरे पास आ गए थे, महेंद्र सिंह क्या? हाँ। वो अधिकारी है। हाँ, ठीक है। मगर कहे क्या महाराज, ये मार्ग तो उनके लिए है जिनको दुनिया नहीं चाहिए। वो तो हम लोग तो दुनियादार हैं, कौन है जो दुनिया से बचा हुआ है? पुत्र की चिंता, भाई की चिंता, रुपए की चिंता, सब कुछ चिंता इसके लिए एक है, सरेंडर बस। सच्चे साहिबा मैं कुछ नहीं आता, जो कुछ है तू जान, तेरा कम जाने, बस अपने आप को लाना भी किया पल्ले की सरेंडर की और मेरे पास है क्या? बस मेरे गए ऐसे है, ये मुझे यश और मुझे नाम मिलना है, मेरे कर्म है पीछे। एक सन्यासी था, वो मेरे पास रहा, उसने कुछ काम भी किया, बड़ा अंग्रेजी काम था। वो जिसने आपकी किताब ट्रांसलेट की है पांच तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर मेरे मंदिर में रहना चाहते हो कपड़े उतार दो, अगर मैं पगड़े कपड़े उतार दो तो रहो, वरना नहीं। मैं पगड़े कपड़े वाले साड़ी लाइफ एकदम बीती है। मैंने कहा औरतें हैं बेवकूफ, ये पगड़े कपड़े वाले को देख के ये पीछे दौड़ती है, नहीं बन जाती है। अच्छा उसकी आदत आई, मैंने कहा बेवकूफ, और उसको जवाब दिया तू आप तो नफुल सिंह है। बोल दिया और तेरे में अपनी ताकत नहीं है, बीमार रहता है और उसकी इतनी मुठी है। आपने ऐसे ही कहा? ठीक है, मैंने कहा औरत तेरी इतनी मुठी है, कोई तुम महात्मा कड्डो सामने खड़ा तो होवे, चैलेंज के दे के आए अमरीका च, कहने महात्मा हिंदुस्तान दे आए कोई मेरे को ले आओ, सिवाय इसके थोड़िया नौजवान लड़कियां खराब कर दे।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਠਾਕ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਥਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਿਚਾਈ ਕਰ ਉਸਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਟੋਲ ਲਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਂਗਲਾ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਕੁਰ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਚੇਲੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਬ ਗੱਡੀ ਪਰ ਬੈਠਾ ਤੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਜੱਫੀ ਡਾਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਪਾਉਂ ਕੋ ਮੱਥਾ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮਕੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਤੁਮ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਾ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਗੱਡੀ ਪਰ ਆਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮੁਝੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਝ ਪਰ ਤੋ ਕਾਮ ਠੋਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਲੇਤੇ ਥੇ ਐਸੀ ਸਰਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਤੋ ਯੇ ਉਸ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਤਾ ਥਾ ਅਬ ਯੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਔਰਤ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਮ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰਤ ਕਾ ਇਸ਼ਟ ਖਾਵਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਚੇਲਾ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਗਏ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਆਪਕੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਗੁਰੂ ਅਬ ਆਪ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਕਿਤਾਬੀ ਇਲਮ ਛੋੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੁਮਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਬਣੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਰਹਾ ਕਰੋ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਾਨ ਲੋ ਮਾਨ ਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਹੈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪੂਰਨ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਰੂਪ ਮਤ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਰਾ ਕਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਉਸਕੇ ਦਬੋਚ ਕਰਤੇ ਰਹਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਸੇ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸੇ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇ ਬਾਤੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ
पागल होया रहा आशी शर्मा को मैंने अपना नाम दर्ज किया अपने बाद विल में। हाँ जी मेरे मैंने विल कर दिया ऐसा विशेष नहीं। ये अब वो वहाँ मैं पिछली दफा गया था 2000 अंग्रेज इकट्ठे हुए एआरई में, तो मैंने शर्मा को बोला, मैंने कहा शर्मा बात सुन ले सब के सामने, जितनी लड़कियां हैं अंग्रेजों की यहाँ, तुमने सबको अपनी लड़कियां या बहनें या माएं समझना, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये काम मत करना। साफ कह दिया, कोई लिहाज नहीं थी। अब मैं आया हूँ, मैं कह तुम्हारे बच्चे हैं तो खबरदार, उसकी औरत भी थी, मैंने कहा अब ये बूढ़ी हो चलिए तुमने अब इसी और खुश बन के नहीं रहना, मगर ये कानून तुम्हारे वास्ते नहीं है क्योंकि तुम्हारी उम्र 35 ईयर्स की है। नहीं जी 29 है। तुमने अभी दुनिया में रहना है, स्त्री की इच्छा पर रहो। देखो मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ, कोई पाप नहीं, औलाद पैदा करने के लिए सिर्फ स्त्री की इच्छा पर रहो। आप समझते मेरा, आपको कोई पाप नहीं है। दूर जदों का मैं तुहानू मिलिया लाइना बदल गई, बदलने एक ख्यालात के साथ बदल जाती है। ये लाइन भी आ गई इंट्यूशन की, ये लाइन इंट्यूशन की हाँ हो रही है, ये भी इंट्यूशन की होगी। हाँ दूसरी कृपा रखो जी जरा देखो। अच्छा एक मारे होर कृपा करो ये महीना इतने मेरे ते बस साहा मेरे के करो कि मेरा सतगुरु तो विश्वास ना टूटे, ये मैंने यकीन हो गया कि सतगुरु कोई बंदा नहीं है, सतगुरु हर वक्त तुम्हारे साथ है, ये मैंने पक्का विश्वास हो। तू ये समझ ले कि 24 घंटे वो तुम्हारा है और तुम उसके हो। अरे गुरु नानक साहब के चेले होकर के तुमको इतना पता नहीं, गुरु नानक साहब सौदा तोड़ने लगे, उनको यकीन था कि वो मालिक के हैं, सौदा तोड़ते हुए जब तेरा पर आए, मैं तेरा सौदा तोड़ते गए, मैं तेरा वो सौदा तोड़ना तो भूल गया, वो ख्याल रहा मैं तेरा। सौदा दे गए, लोगों को शक पड़ा कि इसने लुटा दिया, गुरु नानक साहब का सारा टच किया आगे सब पूरा निकला, बड़ा विश्वास में बड़ी ताकत है। मेरी कामयाबी का राज यही है कि मेरा विश्वास था, मैंने कभी नहीं सोचा महाजी जी के कितने लड़के हैं, कितनी कमाई है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, कभी नहीं। आपने तो ये कहा कि जो गुरु करता है वो मत करो, जो गुरु कहता है वो करो। बस बात खत्म है, दो लफ्ज हर शख्स की प्रकृति अलहदा है। मुझे हजूर आपने फरमाया था कि परशुराम सिमरन वगैरह भजन छोड़ दो, मैं जिम्मेदार हूँ, आप चरखा काटो, मुझे हुक्म हुआ, मैंने चरखे में कमाल कर दिया, पंजाब में 2 दफा फर्स्ट आया, 2 दफा इनाम हासिल किया, आपको पता अखबार में भी आया। इन्होंने कहा यही जिंदगी, नाम से क्या करोगे, नाम से अब अमीर है कि किसी की बात कमी नहीं, किसी बात कमी नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे पास आया, हाँ जी मुझे मालूम है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम्हारी और चीज क्या है, मैं जानता हूँ। मैंने फौरन $25 इसको दे दिए, क्यों दिए, सिर्फ इस ख्याल से कि हमने 5-7 दिन रहना है, नहीं समझ में आई है ना, ताकि मैं तुम पर बोझ न पड़ूं। तो आगे तुमने बथेरा खर्च किया, थोड़ा दिया, मैंने $25 अपने पास से तुमको दिए। हजूर मैं बेनती करा एक नहीं सवाल मैं आपको अपनी बात बताता हूँ,
सारी पैसे हाँ पैसे वाला आदमी है वो देता है, मुझे कोई इनकार नहीं, ये बात नहीं है। आप कोई अमीर तो है नहीं कि आप अमीर हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप मेरे लिए आगे तुमने बहुत खर्च किया अपने जज्बे में आकर के। नहीं जी सौदा किया, सौदा ठा गया है मैं बहुत बड़ा। और कुछ बात पूछनी हो तो पूछिए। ज्ञानी जी सवाल कर रहे महाराज एक कि ग्रंथ साहिब विच एक तुक आउंदी आ गुरमुख कोट आधार दा भाई दे नामे एक कणी। गुरमुख कोट है ना, गुरमुख कोट उधार दा भाई, उधार दा नहीं है उभार दा है, कुर्बानी च इस तरह ही है। अच्छा गुरमुख कोटन उभार का है वो हो रहा तो कुमारा जो है गुरमुख कोटन कोट उभारे। हाँ ये सुखमनी साहब चाहूंगा गुरमुख कोटन कोट उभारे जी ये तुक की गल कर रहे वो इस तरह गुरमुख कोट उधार दा दे नामे एक कनी, एक कनी नाम दी देख गुरमुख जेड़ा कोटा नु उतार दिंदा ए लिखा। अच्छा ए सवाल कर रहा कि की जेड़ा उना दा गुरमुख दा शिगिर्द नाम नहीं करदा अभ्यास नहीं करदा उसको क्या नहींगा। पहली तो ये बात है, दूसरी पहली दूसरी बात ये कि नाम है क्या। तुम ग्रंथ साहब को बोलो चौथा पद चौथी पद है कि नहीं, नाम रहे चौथे पद माही ये छूने तेरे लोकी माही। दुनिया ने सिर्फ यही समझा हुआ है कि गुरुमुख ने ये नाम दे दिया पांच नाम या राधा स्वामी नाम या राम राम वो उसी को जपते रहे, ये नाम नहीं है, ये नाम के जपने की पहली सीढ़ी है। असली नाम है तुम्हारा प्रकाश और शब्द में जाना, उससे उभारता है ये मानता उससे तारता है। एक तारा चंद है भवानी में, उसका मेरे मानवता मंत्र से तीन गुना ज्यादा रकबा है, क्योंकि अज्ञानी आदमी आते हैं वो पैसा बहुत देते हैं। अच्छा उसके पास कितने कुम्हार जमीन है, अपनी कमाई वो आप खाता, उसके दस के लिए जमीन है, वो दस के लिए जमीन मेरे छोले आप बीजता है आप खाता है, किसी से संग संगी का नहीं देता। और मैंने ब्रह्मचारी है, मैंने कहा तीन महीने खामोश रहा करो बरसात के अपने घर में बैठे बोले मत करो चुप मौन तारो, और किसी औरत को है बूढ़ी हो या जवान हो अपने कमरे में मत आने दो क्योंकि वो यानी शादी से नहीं कराई तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके बड़े बड़े वजीर उसके शागिर्द हैं हजारों आदमियों के, वो मेरे पास आया करता है कुछ नहीं पड़ा हुआ अपनी देहाती जबान में कबीर के शब्द तंबूजे पर गाया करता है, सत्संग में सत्संग कराता है। आप समझते ना, अब वो उसका पिछला कर्म था, उसने छोटी उम्र से इसको शौक था तो उसको एक मेरा गुरु भाई था उसने कहा था भाई मैं तो राधा स्वामी नाम तुमको दे देता हूँ मगर अगर असली बात पूछो तो हमारे सबसे बड़ा भाई वीर चंद है उसके उसको मिलना। अच्छा तो वो दिल्ली आया, मैंने सोचा कि अगर वीर चंद संत होगा तो मुझे अपनी जूस देगा। तुम्हारा और बाबा ये नहीं चलिया। अच्छा अच्छा जी वो अवर तो भीड़ बहुत थी जहरे पर, बड़ी मुश्किल से वो अंदर आया सादा कपड़े से, मुझे क्या पता कौन है, यूं बैठ गया। मैं चाह पीने लगा, मैंने कुछ उसके हवाले कर दिया, दो फूट ले गया उसको भी, उसका विश्वास बैठ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ परमार्थ का और नाम का,
मैंने कहा ये शर्तें हैं कि अपनी रोजी आप कमा के खाओ, अपनी रोजी आप कमा के खाओ, किसी सत्संगी का पैसा तुम्हें नहीं लेना, किसी आरुष के पास तुम की तरफ नहीं देखना, तेरा काम चल जाएगा। अब उसका काम मुझसे भी ज्यादा चला हुआ, मेरे काम से 3 गुना काम ज्यादा है। अभी कितने कमाल की जमीन है, 2 कुएं पोते हैं और जो खारा पानी निकलता है वहाँ हमेशा पानी निकलता है। गरीब आदमी जाते हैं, गायें गरीब जाती हैं, बूढ़े आदमी जाते हैं, उनको रोटी देता है, उनके काम करता है। अब समझो मेरा मतलब है, तू ये है कर्म पिछले जन्म दिया, इसके मैंने ये नहीं है। मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरे ग्रह ऐसे हैं, ग्रह एक जोशी ने मेरा सेवा देखा था, गिदर बाय स्टेशन मानता था मैं, वो जोशी का खन्ने का बड़ा भाया, वो आया, उसको कोई रेलवे में काम था, वो मैंने करा दिया, मैंने घर से रोटी मंगवा के उसको दे दी, रोटी खा ली, मैंने कहा ये सेवा ले आओ, मैं सेवा ले गया, वो सेवा आज का देखता रहा, उसने कहा और किसी को जोशी को पता नहीं था, मैंने लाखों ऋषियों मुनियों संतों के लिए आपके 8 ग्रहों का असर इस वक्त 9वें घर में है, 9वां कालम धर्म का होता है, बृहस्पति 10वें घर में है आपके, पिछली उम्र में बैठी होकर 9वें घर में आ जाएगा, आपके 9वें घर पर 9 ग्रहों का असर होगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज दिन तक किसी ने किया नहीं, क्या काम करेंगे ये मुझे बताएं। तो मैंने सिर्फ सच्चाई का चोला पहना, क्योंकि मेरी अंतर और बाहर सच्चाई है, अगर किसी को मैं कोई बात कह देता हूँ तो ये नहीं कि मैं करता हूँ, वो उसके कर्म में होती है और मेरे मुंह से निकल जाती है, बात सारी ये है, मैं कुछ नहीं करता, कोई भी नहीं करता जी, शुभ भावना देता हूँ बस, और दुखी मेरे पास आते हैं, मैं दाता से यही प्रार्थना करता हूँ, दाता तूने काम दिया था मेरे तो बस में कुछ नहीं, अब मैं क्या करूँ, इसका भला हो, बस जो विश्वास करते हैं उनका भला हो जाता है। मैंने किसी को नाम नहीं दिया, चेला नहीं बनाया, 1000 आदमी मेरे पीछे बैठते हैं, मेरे शागिर्द नाम देते हैं, अच्छा जो मेरे चेले हैं वो नाम देते हैं लोगों को, उनको आपने मुकर्रर किया, उनको क्या तुम नाम दिया करो, मैं नहीं किसी को नाम देता, क्योंकि मैंने ये समझा है आनंदकारी को नाम देना एक माँ बाप है, वो उनके अपने कर्म है वो करते हैं, पैसा उनको बोला खाओ या ना खाओ, खाते हो आप मरोगे मेरा क्या जाएगा मुझे क्या है। तो आपने ये काम कितने मनुखों को दिया? मैंने तो सिर्फ 1942 में 15-20 आदमी को नाम दिया, नहीं उसके बाद मुकर्रर कितने आदमी को, 12 आदमी, 1000 आदमी भेजते हैं, मैं हैदराबाद जाता हूँ कम से कम 8000 आदमी 9000 आदमी इकट्ठा होता है, सारा जब बसंत पर मैं जाता हूँ, हैदराबाद में गहरे पर सत्संग होता है कम से कम 6-7 हजार आदमी, और मेरे सत्संग में सिर्फ राधा स्वामी नहीं आते, मैं जानता हूँ, उसने मुझको लिखा कि मैंने एक साधु के नाम लिया था, कृष्ण ने मुझको लिखा, और कृष्ण मैंने उस साधु की 10,000 रुपया सेवा की, उसका बना दिया कुटिया बना दी देहरादून में, हमें कुछ नहीं मिला, तो जब 10 साल के बाद मैं उसके पास गया तो उसने कहा तुम और तुम्हारी बीवी सन्यासी हो जाओ, मेरी बीवी ने इनकार किया,
उसने मुझको लिखा आप नाम दे दो। मैंने कहा मैं नाम किसी को नहीं देता, मेरे गुरु ने मुझको राया समय नाम दिया था, गुरु स्वरूप का ध्यान दिया था, तुम जहाँ से मर्जी नाम ले। उसने मेरे रूप को ये रोटी का रोटी है बाबा जी दाल है बस रोटी का वक्त है हाँ जी। जो कुछ मैंने समझा यही सुनाई दुकान में मेरी समझ में जो आया मैंने बताया, मगर जो ग्रंथ साहब में लिखा हुआ उसको नहीं समझे। वो ही कहता हूँ वो टेप छोड़नी चाहिए, उससे कोई फायदा। इसके मैं ये नहीं कि ग्रंथ साहब की टेप छोड़ गई, इसका मतलब ग्रंथ साहब के शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात, एक के बगैर तो गुजारा नहीं है। नहीं यही गल जो मैं किया गीता दास हूं गीता जो मेरी भी जी मुताबिक जीवन कोशिश करी दी। चलो ठीक टेक है जो गीता है ही है, बाकी कुछ नहीं। टेक जड़ी है छड़नी चाहिए है, हूं भी मैं कहना।